हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में मासिक धर्म के बारे में कुछ बातें करते हैं। मासिक धर्म आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जब यह मासिक धर्म लड़कियों में आने शुरू होते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके अंडाशय का विकसित हो जाना। अंडाशय का विकसित होना यह दर्शाता है कि वह लड़कियाँ अंडा बनाने की योग्य हो गई हैं, यानी प्रजनन के अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। मासिक धर्म की प्रक्रिया का एक अहम रोल होता है गर्भधारण करने में सहायता करना। मासिक धर्म शुरू होने पर हर महीने महिलाओं के दो अंडाशय में से एक अंडा बना के गर्भाशय नाल में रिलीज करता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ शरीर दो तरह के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन उत्पन्न करने लगते हैं, और इन हार्मोन्स की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण होने पर फर्टिलाइजर अंडा उस परत से लगकर पोषण प्राप्त करता है। एक परत रक्त और म्यूकस से बनी होती है, और जब यही अंडा नर शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तब गर्भाशय की परत उस अंडे के साथ रक्त के रूप में योनि से बाहर निकलने लगती है। इस क्रिया को माहवार या मासिक धर्म कहते हैं। माहवारी के लक्षण में माहवारी से पहले महिला के पेट में दर्द होना या फिर ऐंठन होना, मासिक धर्म शुरू होने से पहले डायरिया या उल्टी होने की समस्या भी हो सकती है। कई महिलाओं के मासिक धर्म शुरू होने से पहले पीठ भी दर्द करने लगती है। कुछ महिलाओं की तो मासिक धर्म से पहले भूख बढ़ जाती है, जिससे वे ज़्यादा खाने लग जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान शुरुआत में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स बढ़ना शुरू होते हैं, और यह हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि एक तो यह महिलाओं के शरीर को समझ सकते हैं, और दूसरा यह हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा यह हार्मोन्स गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पर रक्त और टिश्यूज की एक मखमली परत बनाते हैं, ताकि भ्रूण वहां पर पोषण पाकर जल्दी से विकसित हो सके। यह परत रक्त और टिश्यूज से निर्मित होती है। मासिक धर्म में सबसे अहम बीमारी है अनियमित माहवारी। यह कई कारण से हो सकती है, जैसे मासिक चक्र का 21 दिनों से छोटा होना या फिर 35 दिन से ज़्यादा होना। माहवारी के समय रक्तस्राव का सामान्य से ज़्यादा होना, मासिक चक्र का हर बार बदल जाना, या 3 या इससे अधिक महीने तक माहवारी न आना, 2 माहवारी के बीच में अनियमित रूप से रक्तस्राव होना। अब बात करते हैं मेनोरेजिया या भारी रक्तस्राव के बारे में। जब माहवारी के समय रक्त सामान्य से ज़्यादा खराब होता है या फिर 7 दिन से भी ज़्यादा रक्तस्राव चलता रहता है, तो इसे मेडिकल की भाषा में मेनोरेजिया या भारी रक्तस्राव कहते हैं। इसलिए आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी ना हो तो कई बार थोड़ी सी भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर ही हम यह समझने लगते हैं कि कोई समस्या है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मेनोरेजिया के कुछ अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग का इतना ज़्यादा होना कि हर घंटे में पैड बदलना पड़े, और ब्लीडिंग का हफ्ते भर से ज़्यादा होना, और ब्लीडिंग के साथ थक्कों का भी बाहर निकलना, ब्लीडिंग के दौरान असहनीय दर्द होना। मेनोरेजिया के कारण जैसे हार्मोन्स का अनियंत्रित होना, रक्त से संबंधित कोई बीमारी होना, थायराइड होना, या गर्भाशय या अंडाशय से संबंधित कोई बीमारी होना, साथ ही जीवन शैली में कोई समस्या होना, जैसे कि तनाव आदि। डॉक्टरों का मानना है कि युवा लड़कियों में माहवारी का समय पर शुरू ना होना शारीरिक असामान्यता की वजह से भी हो सकता है। कुछ में नियमित रूप से आती हुई माहवारी अचानक से रुक जाती है, तो इसे अमीनोरिया कहते हैं। जिन लड़कियों में माहवारी समय पर शुरू नहीं होती, उसका कारण है कि उसके प्रजनन प्रणाली के अंग कमजोर हैं, परंतु यदि माहवारी नियमित रूप से आते आते रुक जाती है, तो यह एक प्रकार की बीमारी PCOD का संकेत हो सकता है। PCOD यानी
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर एक हार्मोन की बीमारी है जिसमें अंडाशय में बहुत छोटे छोटे थैलियों के बनने के कारण वे नियमित रूप से अंडे नहीं बना पाते हैं। अंडों के रिलीज न होने से महामारी रुक जाती है जिससे मासिक चक्र में अनियमितता पैदा हो जाती है। इस बीमारी का उत्पन्न होना यानी हार्मोन्स में असंतुलन का होना माना जाता है। PCOD के लक्षण जैसे अनियमित महामारी होना, लंबे समय तक महामारी न होना या शरीर और चेहरे पर बहुत सारे बालों का उगना और बहुत सारे मुहासे होना। अगर आप समय रहते इन सब लक्षणों को पहचानते हुए समय पर अपना इलाज करवाती हैं तो आप समस्या से निदान पा सकते हैं। महामारी में अधिक पीड़ा होना एक आम बात है। कई बार पीड़ा इतनी होती है कि महिला अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाती और लड़कियों को स्कूल या कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ती है, परंतु महामारी के समय इतना दर्द होना यह कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा होने पर महिला को अपनी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए क्योंकि इससे किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। सही समय पर जांच करवाने से हम आने वाली बीमारी को टाल सकते हैं। पुराने ज़माने में लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में पहले कोई ज्ञान नहीं होता था और अचानक से उन्हें मासिक धर्म हो जाता था जिसके कारण लड़कियां यह सब देखकर डर जाती थीं और तनावग्रस्त हो जाती थीं। डर, भय, चिंता के कारण अपने घर वालों को भी बताने से कतराती थीं, परंतु आज का ज़माना बदल गया है। एक माँ अपनी बेटी को निसंकोच इस बात को बता सकती है जब उसकी बेटी की उम्र 9 साल की हो जाए। इस उम्र में वह उसे अच्छे से समझा सकती है ताकि जब उसे पहली बार मासिक धर्म आए तो उसको कोई शंका ना हो और उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सके। शुरुआत में आप सिर्फ जरूरी बातों पर ही ध्यान दें और यह बताएं कि महामारी कितने सप्ताह बाद आती है, कितने दिन तक रहती है और इसमें कितना रक्त प्रवाह होता है। साथ ही आप उन्हें इन सबसे निपटने के सुझाव बता सकते हैं। जब आप अपनी बेटी को मासिक धर्म के बारे में समझाती हैं तो उनसे घुमा फिरा कर बात ना करें बल्कि उन्हें सीधी और सरल बातों में समझाएं। इससे वह भी बहुत जल्दी समझ जाएंगी। साथ ही जब अपनी बेटी को मासिक धर्म के बारे में बताती हैं तो यह ना समझें कि बस एक बार बात करी, उसे समझाया और हो गया ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप अपनी बेटी को कहें कि वह हर महीने अपने पीरियड के बारे में आपको बताए। आप भी उन्हें समझाना जारी रखें क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पीरियड हर बार समान समय और समान स्थिति में आए। इसलिए आप जब भी उसे ज़रूरत हो उसे सलाह देती रहें और उससे इसके बारे में पूछती भी रहें। आज की लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में कई तरीकों से बताया जाता है, जैसे कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा, डॉक्टर द्वारा, किसी पत्रिका या किताब द्वारा या फिर कोई छोटी लघु फिल्म के द्वारा भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। महामारी क्या होती है, महामारी के समय लड़की के शरीर में क्या क्या होता है, महामारी आने पर क्या करना चाहिए, उस समय अपने शरीर की सफाई कैसे रखनी चाहिए आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। परंतु इन सब बातों के बावजूद भी लड़कियों के मन में और कई प्रश्न उठते हैं, इसलिए माता पिता होने के नाते कर्तव्य यह है कि उनके प्रश्नों के उत्तर बने और उन्हें अच्छी तरह से समझाएं ताकि उन्हें मासिक धर्म के बारे में कोई शंका न रहे। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें, और बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।